पुराने अखबार से बनाए सुंदर डांसिंग डॉल क्राफ्ट। हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र दिल्ली इंडिया से और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्राफ्ट पॉकेट। पुराने अखबार को 1.5 से 2 इंच के ढेर सारे टुकड़ों में काट लें। एक बाउल में 2 चम्मच फेविकॉल लें, जितना फेविकॉल उतना ही पानी। एक घोल तैयार करें। घोल में पेपर के टुकड़ों को 2 से 3 मिनट तक सोक करें। जितने सेट बनाने हैं उतने थोड़े मजबूत वाले गुब्बारे ले लें। गुब्बारे पे फेविकॉल में डूबे हुए पेपर्स को चिपकाते चले जाएं। ओवरलैप करके चिपकाएं तो क्राफ्ट ज़्यादा मजबूत बनेंगे। एक बार सूखने के बाद फिर से लेयरिंग करें। ऐसे 4 बार लेयरिंग करें तो ये सूख गए हैं। दोस्तों, ये टिश्यू पेपर है। अगर आपके पास ना हो तो रुमाल वाले यानी चौकोर वाले टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं, बहुत ही सस्ते आते हैं। इन क्राफ्ट पे इसे काट कर रखें और ऊपर से फेविकॉल का कोट करें। जैसे ही फेविकॉल इस पे लगेगा, क्राफ्ट पे एक पतली सी लेयर बन जाएगी और ड्राई होने के बाद एक बहुत ही अच्छा टेक्सचर भी बन जाता है। इससे हमारा क्राफ्ट और भी मजबूत हो जाएगा। फेविकॉल पानी मिलाया हुआ यूज़ करना है, प्योर फेविकॉल ना ले। सभी क्राफ्ट पे ये परत चढ़ाकर इसे ड्राई होने दे। सारे क्राफ्ट ड्राई हो गए हैं तो अब हम गुब्बारे को हटा सकते हैं। तीनों क्राफ्ट को नीचे से एक सिधाई में काट लें। एक छोटे कप में 1/3 फेविकॉल, 2 चम्मच ट्रांसपेरेंट खट्टे वाले विनेगर, 1 चम्मच कोई भी खाने वाला रिफाइंड ऑयल। जितना फेविकॉल उसका डबल आरारोट पाउडर या फिर कॉर्नफ्लोर पाउडर। इसे धीरे धीरे चम्मच की सहायता से पूरे घोल में अच्छी तरह मिला लें। इतना मिलाएं कि इसमें एक भी गुठली ना रहे। इसे बिल्कुल लो फ्लेम में गैस पे पकाना है और चम्मच से लगातार इसको चलाते रहना है। जैसे ये थोड़ा हार्ड होता है, गैस को तुरंत बंद करें और हाथों में कोई भी ऑयल या फिर मॉइस्चराइजर लगाकर इसे अच्छी तरह मैश करें। थोड़ा सा क्ले लेकर हल्का सा दोनों हाथों से खींच कर देखें। अगर ये ड्रॉप बनता है तो क्ले आपका तैयार है। ना बने तो थोड़ा सा फेविकॉल मिलाकर और इसे मैश करें, ये आपका क्ले बन जाएगा। इसे या तो पॉलीथीन में लपेट कर रखें या जिप वाले पाउच में एयर टाइट डब्बे में रखकर फ्रिज में रखें। ये क्ले 6 महीने तक आराम से चल जाता है। ये लोहे के पतले तार हैं जो आसानी से मुड़ जाते हैं। इन्हीं की सहायता से डॉल का स्ट्रक्चर तैयार करें। डॉल का पोजीशन क्या होगा यानी किस एक्शन में डॉल्स होंगी, पहले से सोच कर रखें और ठीक उसी तरीके से तार का ढांचा तैयार करें। क्ले कम लगे इसके लिए मैंने इस पे पॉलीथीन लपेट लिया है। आप चाहे तो एल्युमिनियम फॉइल, पेपर या फिर कपड़ा भी लपेट सकते हैं। गुब्बारे वाले ढांचे में इंसर्ट करें। अगर कम ज़्यादा हो तो इसे एडजस्ट करें। अब हम क्ले से पहला लेयर स्टार्ट करेंगे। पूरे क्राफ्ट के ढांचे पे हम पहला लेयर करेंगे। लेयरिंग करने से पहले हाथों में एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर या फिर कोई भी ऑयल लगा सकते हैं। जहां 2 क्ले मिलते हैं उसे हम ब्रश के पिछले हिस्से से मिक्स करेंगे और पानी से स्मूथ कर लेंगे। पूरे क्राफ्ट को यानी तीनों क्राफ्ट पे इस तरह पहला लेयर करेंगे और इसे हम ड्राई होने देंगे।
क्राफ्ट के ड्रेस पे डो की सहायता से अपना मनपसंद डिज़ाइन बनाए कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाता है और इन्हें हम फेविकोल की सहायता से क्राफ्ट के ऊपर चिपका लेंगे, क्योंकि ये पेपर है तो ये आसानी से चिपक जाएंगे। और तीनों क्राफ्ट पे ये पैटर्न बनाकर हम इसे फिर से ड्राई कर लेंगे। हमारे डॉल क्राफ्ट की तीनों बॉडी ड्राई हो गई है, तो अब हम बाकी की डिटेलिंग स्टार्ट कर देंगे। पहले चेहरे की डिटेलिंग कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं, अगर हो सके तो प्लेन भी छोड़ सकते हैं। तो इन्हें हम फेविकोल या फिर पानी की सहायता से चिपकाकर डिटेलिंग कर लेंगे और इन्हें भी हम ड्राई होने देंगे। जैसे ही थोड़ा ड्राई होता है तो इनके कपड़े की डिटेलिंग स्टार्ट कर दें। और ये जो डिटेलिंग है या जो पैटर्न है, ये आप अपनी पसंद से कुछ भी बना सकते हैं, जिसमें आप कंफर्ट हो वही बनाएं। धीरे धीरे इनके ऑर्नामेंट्स, गहने और बाल वगैरह की डिटेलिंग करें और इन्हें भी हम अच्छे तरीके से ड्राई होने देंगे। पुराना नेल कटर मेरा फेवरेट है, इसी से ज़्यादातर मैं डिटेलिंग करता हूँ। आप चाहें तो स्कल्पचर्स के टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉल पुट्टी में फेविकोल मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करें और क्राफ्ट के निचले हिस्से में लगाकर क्राफ्ट के बीच में जो होल है उसमें इंसर्ट करें और इसे फिक्स करें। ड्रेस के अंदर जो तार निकले हों एक्स्ट्रा, उन्हें आप सेलो टेप से चिपका लें। इसे हम वॉल पुट्टी और फेविकोल के गाढ़े पेस्ट से कवर करेंगे। इन्हें हम 3 से 4 घंटे तक ड्राई होने देंगे। कलर की शुरुआत करते हैं। इस तरह के क्राफ्ट पे ज़्यादातर एक्रेलिक कलर ही ठीक रहता है, क्योंकि वाटर बेस्ड कलर होता है और कलर करने के बाद उसमें चमक भी काफ़ी अच्छी आ जाती है। अपने मनपसंद कलर का एक कोट करें, ड्राई होने दें, फिर दूसरा कोट करें। अपने आप शाइनिंग आ जाती है। और जितने भी कलर्स हैं उन सभी के नाम और नंबर्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से भी देखकर आप नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, पुराने अखबार और एयर ड्राई क्ले से बनाइए डांसिंग डॉल क्राफ्ट बिल्कुल तैयार है। इसे 8 या 10 का सेट बनाकर घर में कहीं भी हैंग करेंगे, घर के इंटीरियर को और अधिक इन्हेंस करेगा। दोस्तों, अगर क्राफ्ट करने में दिक्कत आती है तो ये 2 ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो और शेयर करें। अभी तो ऐसे ढेरों सस्ते बजट वाले क्राफ्ट वीडियो आने बाकी हैं। बजट वाले क्राफ्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में एक बेल आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि मेरा हर नया वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे मेरा चैनल क्राफ्ट पॉकेट।